हाय, मैं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड। हाँ तो भाई, फाइनली फ्लिपकार्ट पर वीवो फोन का यहाँ पर प्राइस रिवील हो चुका है और बहुत सारे वीवो फोन में हम सभी को बिग बिलियन डे सेल के पहले, मतलब कि अभी से ही डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप सभी को कौन से वीवो के फोन में कितना और कैसे डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीवो फोन ऑफर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में YouTube से भी पहले इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बिग बिलियन डे सेल कब से स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए, बिग बिलियन डे सेल 8 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, जो कि ये सेल 15 अक्टूबर तक चलेगी, मतलब कि ये सेल टोटल 8 दिन तक चलेगी। और देखिए, अगर आप लोग प्लस मेंबर हो तो आप सभी के लिए बिग बिलियन डे सेल एक दिन पहले से, यानी कि 7 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएगी। और इस सेल में हम सभी को 3 बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। पहला है एक्सिस का कार्ड, दूसरा है आईसीआईसीआई का कार्ड, तीसरा है कोटक बैंक का कार्ड। हाँ, ये तीनों ही कार्ड से आप सभी को लगभग सारे फोन में डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कि इसी सेल में आप सभी को कौन से वीवो के फोन में कितना डिस्काउंट मिलेगा या फिर मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां पर हमारा पहला फोन निकल के आता है वीवो T2 Pro। अभी इसमें फ्लैट 2000 रुपए का ऑफ है। अभी आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हो कार्ड लगा के मात्र 22000 रुपए में। हाँ, अभी ये न्यू मॉडल है तो इसलिए आप सभी को इस फोन में ओनली कार्ड पर ही 2000 रुपए का ऑफ मिलेगा, जो कि दोस्तों ये फोन आप सभी के लिए इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट फोन होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, 176 ग्राम का वेट है और इसका थिकनेस है 7.36 mm का। प्लस इस फोन में MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों ये प्रोसेसर आप सभी को इस प्राइस में कोई भी कर्व डिस्प्ले के साथ नहीं मिलेगी। और इसका अंतुतु स्कोर निकल के आता है 7 लाख प्लस। तो इस फोन में आप सभी को परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, इस फोन में आप सभी को मिलेगा फुल HD प्लस 120Hz का 10-bit कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, 1300 nits का ब्राइटनेस, 66W का फास्ट चार्जिंग, 64MP का OIS कैमरा, जो कि दोस्तों इस प्राइस रेंज में आप सभी के लिए बेस्ट डील हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें हम सभी को कमी एक ही चीज देखने को मिलती है, UFS 2.2 का स्टोरेज और LPDDR4X वाला रैम, जो कि इस प्राइस रेंज में हम सभी को कम से कम UFS 3.1 का स्टोरेज या फिर हम सभी को LPDDR5 वाला रैम एटलीस्ट मिलना चाहिए था। हाँ, हमारा यहाँ पर नेक्स्ट फोन निकल के आता है वीवो का T2। अभी आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हो, सॉरी अभी नहीं, बिग बिलियन डे सेल में आप लोग बाय कर पाओगे मात्र 16000 रुपए में। इस फोन में आप सभी को 3000 रुपए का ऑफ मिलेगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि इस फोन में आप सभी को 1500 रुपए का COD में डिस्काउंट मिलेगा और बाकी का 1500 रुपए का कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि दोस्तों, ये फोन हम सभी को COD में 17500 रुपए में देखने को मिल सकता है और हम सभी को कार्ड लगा के ये फोन लगभग 16000 रुपए में मिल जाएगा। लगभग क्या, 16000 रुपए में ही आप सभी को यह मिलेगा। देखिए, इस फोन में हम सभी को दिया गया है 90Hz का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 64MP का OIS कैमरा, 695 वाला प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर ठीक ठाक ही है, मतलब कि ये आप सभी के लिए ठीक ठाक डील हो सकती है। हाँ, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फोन निकल के आता है वीवो का T2X, लेकिन अभी तक इसका प्राइस रिवील नहीं हुआ है। जहां तक मुझे लगता है कि इस फोन में हम सभी को लगभग 2000 से 3000 रुपए का ऑफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी आप लोग मान के चल सकते हो कि इस फोन में हम सभी को लगभग 2000 रुपए का ऑफ मिलने वाला है, 1000 रुपए का COD डिस्काउंट मिल सकता है और बाकी का 1000 रुपए का हम सभी को कार्ड पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है वीवो का V29e। अभी आप लोग इस फोन को बाय करते हो तो इस फोन में आप सभी को टोटल 5000 रुपए का ऑफ मिलेगा। तो इस फोन में हम सभी को डिस्काउंट कैसे मिलेगा, 2000 रुपए का कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 2000 रुपए का एक्सचेंज में डिस्काउंट मिलेगा, प्लस 1000 रुपए का हम सभी को सुपर कॉइन से डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर इस फोन में सारा ऑफर लगाते हो तो ही आप सभी को इस फोन में 5000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आप लोग इस फोन को बाय कर सकते हो कितने रुपए में, 22000 रुपए में या फिर 23000 रुपए में। मैं इसका प्राइस भूल गया, मतलब कि इसका अभी जितना भी प्राइस है उसमें आप लोग यहां पर 5000 रुपए माइनस कर देना या फिर दोस्तों मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा। हाँ, लेकिन इसमें हम सभी को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 वाला प्रोसेसर। तो इस प्रोसेसर के साथ इस फोन को लेना तो आप सभी के लिए ये सही डील नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोसेसर हम सभी को लगभग 15 से 16000 रुपए के फोन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इस फोन को डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। और दोस्तों, मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा था कि इसी सेल में वीवो का V27 सीरीज में भी हम सभी को डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये सारे फोन का भी प्राइस रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि 4 अक्टूबर को वीवो का V29 सीरीज आने वाला है। तो इसलिए शायद हम सभी को इस फोन में डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, मतलब कि वीवो का V27
V7 सीरीज में डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। अभी Vivo का V20 सीरीज में हम सभी को Vivo का V27 सीरीज में ओनली 2000 रुपये का ही ऑफ मिलेगा आप सभी को, वो भी HDFC बैंक का कार्ड से और शायद SBI बैंक का कार्ड से। हाँ, यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Vivo का X95G। इस फोन में आप सभी को ओनली 3500 रुपये का ही ऑफ मिलेगा वो भी कार्ड लगा के। तो दोस्तों, कार्ड लगा के आप लोग यहाँ पर इस फोन को बाय कर सकते हो मात्र 56500 रुपये में। मात्र नहीं, 56500 रुपये में इसका बड़ा भाई Vivo का X90 Pro 5G, इसमें भी आप सभी को ओनली 3500 रुपये का ही ऑफ मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर इस फोन को कार्ड ऑफर लगा के बाय कर सकते हो 76500 रुपये में। तो यहाँ पर हमारा अगला फोन निकल के आता है Vivo का YO2T। इस फोन को आप लोग बाय कर सकते हो ऑफर में 9000 रुपये में। Vivo का Y27, इस फोन को बाय कर सकते हो कार्ड ऑफर लगा के 14250 रुपये में। Vivo का Y16 10500 रुपये, Vivo का Y36 15250 रुपये, Vivo का Y56 इस फोन को बाय कर सकते हो ऑफर में 15250 रुपये में। लेकिन दोस्तों, ये सारे फोन को बाय करने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।